डीएन हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों ने दिनेश जुड़ाने की राम राम। मौजूदा मालवी गांव में आप देख रहे हैं दृश्य में जिस युवक की तलाश कल से जारी थी आज एनडीआरएफ हरियाणा की टीम पहुंची है जो अब सर्च अभियान चलाएगी। तालाब पर आप देख सकते हैं हरियाणा पुलिस एनडीआरएफ टीम के जवान अब इस बोट में सवार होकर उस युवक की जिसके बारे में बताया जा रहा है कि कल सुबह 10:30 बजे पानी में डूब गया था और सर्च अभियान भी चलाए गए। कल भी काफ़ी समय तक ग्रामीणों ने भी ढूंढने की कोशिश की तब भी नहीं मिल पाया वो युवक। आज भी काफ़ी ग्रामीण युवा सुबह सर्च अभियान में लगे हुए थे। अब ये टीम पहुंची है एनडीआरएफ की टीम जो सर्च अभियान चला रही है। हरियाणा पुलिस एनडीआरएफ की टीम है जो मालवी गाँव में पहुँची है और अब आप देखेंगे सर्च अभियान। चुलाना थाना प्रभारी नवीन मोर भी एनडीआरएफ हरियाणा पुलिस की जो टीम है उसके साथ सर्च अभियान पर चले हैं। तालाब में आप देख सकते हैं R2 टीम के साथ बैठकर जो तालाब है तालाब में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। चुलाना थाना प्रभारी नवीन मोर इस समय सर्च अभियान में एनडीआरएफ हरियाणा पुलिस टीम के साथ सर्च अभियान चलाते हुए लगातार पिछले 2 दिनों से सर्च अभियान चला हुआ है। कल भी काफ़ी सर्च किया गया युवक को और आज भी तलाश जारी है। अभी तक युवक नहीं मिल पाया है। एनडीआरएफ नवीन टीम लगातार एनडीआरएफ प्रयास कर रही है ढूंढने का और आप देख सकते हैं तालाब जो मछलियां हो भी साफ दिखाई पड़ रही हैं पानी में उछलते हुए। मालवी गांव का ये तालाब जहाँ पर जो युवक है थाना प्रभारी नवीन मोर सर्च अभियान आज भी एनडीआरएफ टीम के साथ देख सकते हैं आप। तालाब के बारे में बताया जाता है जोड़ के बारे में कहा जाता है जोड़ बहुत डूंगा है कड़ा डूंगा जोड़ है इस वजह से सर्च अभियान में कठिनाई आ रही है। और यो जोड़ है जुड़ाना हल्के के मालवी गांव का जो आप देख पा रहे हैं और थाना प्रभारी जुड़ाना नवीन मोर भी इस सर्च अभियान में जुटे हुए हैं जो कि कल चला था सर्च अभियान आज ही पिछले 2 घंटे से सर्च अभियान चला हुआ है। डूबे युवक की तलाश जारी है। आप देख सकते हैं दृश्य में तालाब के चारों तरफ एनडीआरएफ की टीम के सदस्य बोट के साथ सर्च अभियान चलाते हुए। इसी तरह की नई नई अपडेट के लिए आप डीएन हरियाणा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। डीएन हरियाणा के लिए मैं दिनेश जुलानिया मालवी गांव से।